बार दुल्हन की चोटी कटने वाली है, ज्यादा मत काटना मम्मी, यार तुम्हारा बाल अंग पाजे मत बड़ा मम्मी, ये सब फोन में लिट्टी जो गुच्छो ना काटना मेरे बेगी बेगी आ जा मंडल जय श्री राम दोस्तों। फाइनली आज हम जा रहे हैं माता पूजन के लिए, तो माता पूजन के बाद जो भी प्रोग्राम होंगे रात को 12-1 बजे तक, बहुत मज़ा आने वाला है यार। तो ब्लॉग को पूरा देखना, और जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनना। मिलते हैं ब्लॉग के अंदर। फाइनली इधर बन रही है हमारे सब्जी पूड़ी। मीनाक्षी दीदी कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है ना? आज सुस्ते हर जी भी रात 2 बजे सोए नू।
नींद नखड़ दे मतलब खोपड़ खराब हो जाए। हाँ कि माथो जी नहीं आज भारी हो रही नींद की वजह से। बाकी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो मीनाक्षी कितने दिन बाकी है? दो तीन दिन? दो दिन बस, तीन दिन लास्ट कर ले, परसों दिन बारात आ जाएगी। खुशखा बहुत तेरी गुरु धर्म आया अच्छे का उधर उठे हमेशा चूर चूर और नहीं तो गपड़ सपड़ कर मैं खाऊं कौन कटोरी में मैं जो ना कटोरी में खाऊंगा। अरे वाह यार बेटा बाबा भी खाए खाओ। भी खाना बना हो गया हमारा, 3 बज रहे हैं अभी। और तो ज्योति कितना मजा आ रहा है? बस चल रही है भाई। आज के वीडियो में एंड में नजर आए हूँ भी यार, क्योंकि अभी शाम को फिर और भी प्रोग्राम होंगे हमारे। मतलब क्या क्या होगा ज्योति? हल्दी तेल मेहंदी वगैरह सब लगाएंगे अभी। तो भी आज क्योंकि रात को मैं 1:30-2 बजे सोया था, क्योंकि रात को वीडियो एडिट किया था। महिला संगीत है क्या आज? हाँ, तो वीडियो वगैरह एडिट किया था, तो उसमें मेरा आज सारा दिन का मूड खराब हो रहा है। मतलब कैमरे के सामने आने की इच्छा नहीं हो रही थी यार। तो अभी माता पूजी क्या आई ना? कौन सी माता पूजी? शीतला माता पूजी यार, देख लिया आपने? बाकी अब जाके मैं कैमरे को फेस किया मैंने। तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं? आई होप आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे शादी वाले, क्योंकि इससे 3-4 व्लॉग हो रहे हैं अभी शादी के ना। इसके बाद कल क्या है? कल बासन बिंदोरी, कल बासन है बिंदोरी है, उसके बाद में बारात है ना। तो भाई विदाई का व्लॉग देखना मत भूलना भाई, बहुत शानदार वाला बनाऊंगा। मतलब मैं उसके लिए चाहे सारी रात जाग जाऊंगा मैं उसको बनाने के लिए। तो भाई जो भी चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनना यार, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार। भाई ये गाना किस किसने सुना है? माई नटगिर महारा बेटा की कोनगर मधूद। भाई मैंने फर्स्ट टाइम गाना सुना है, और सुन के पहले समझ नहीं आया गाना है क्या यार ये। भाई अभी डीजे गाना यही चल रहा है हमारे, माई नटगिर महारा बेटा की कोनगर मधूद। तो भी फाइनली रात के 9 बज रहे हैं, और अभी तेल चढ़ाएंगे दुल्हन के, तो चलते हैं अंदर देखते हैं। और खाना वाना खा के सब कम्प्लीट हो गया हम। अरे इनका पोपट किसने किया ये? आज तो महिला संगीत ही नहीं है। कहाँ से रखी महिला संगीत आज? अरे चाचिन की होगी भाई, आज इनका पोपट हो गया, आज महिला संगीत नहीं है। तो कैसा कंफ्यूज कर रहे फिर यहाँ को यार? भाई आज महिला संगीत नहीं है, बट ये पूरे गेटअप में तैयार होके आ गई। कोई बात नहीं, डांस कर लेंगे, टेंशन मत करो तुम। भाभी अब क्या करने वाले हम? अच्छा रेवड़ी पूछने जा रहे? चलो भाई रेवड़ी पूछने जा रहे हम। ये हमारे दुल्हन, मतलब कितना फनी मोमेंट है ना, रेवड़ी को पूछते हैं। ये वाले ढोल अच्छे से बजा दबा के। भाई कमेंट करके बताना किस किस ने रेवड़ी पूजी अपनी शादी में। भाई हमने तो रेवड़ी पूजी यार। भाई अब मैं तुम सबको हमारी रेवड़ी के दर्शन कराता हूँ। ये हमारी रेवड़ी इधर बेस्ट फ्रेंड है, मीनाक्षी बेस्ट फ्रेंड है ना, लंगोटे यार इनके। चलो चलो स्टार्ट करो। अरे कहीं ये रेवड़ी क्यों पूजी आओ, कोई बता सके? शादी होती है क्यों पूजी जाती है? अरे तो मतलब शादी के टाइम पे क्यों पूजा हो जाए? शादी के टाइम पे पक्की बात है, अल्ट पे बोल रही थी ना। आई डोंट नो ना मीनाक्षी तो लगा रही है। अरे भाई दिवाली पे तो दियो लगाओ जाए रेवड़ी का अपने। हाँ बाकी शादी के टाइम पे क्यों पूजी जाओ जा? मतलब लाडी के पहले रेवड़ी की चेतर से। हाँ अरे दुल्हन की चोटी कटने वाली है, ज्यादा मत काटना। अरे एक दो बाल काट ले जड़ में से। हाँ बहुत सारा काट ले।
ज्यादा काट ला, दो चार बाल काट ला। चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ इधर। बन रहे हैं पुए, पुए बन रहे हैं ना। हाँ पुआ बन रहे हैं, बैठे। और इधर आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तेल चढ़ाएंगे हम। खुशी ये खुशी ये खुशी चेहरे पे, चेहरे पे निकल रही खुशी। चलो भाई फाइनली तेल चढ़ाने की तैयारी होगी, देखते हैं कैसे चढ़ाए जाते तेल। और ये सारी भाभी तेल चढ़ाने वाली। लगा दे, बढ़िया लगा दे, है ना, बड़े बोल दे, उसको बोल दे बढ़िया, फिर बोल न्यू कर बैठी की बना। हाँ वापिस कर, मतलब ये होता है यार, खुद की शादी में पता भी नहीं होता क्या क्या हो रहा है, बाकी जो दूसरे देखते हैं ना, जब पता लगता है कि क्या क्या होता है। अब मुझे पता नहीं मेरे तेल कैसे चढ़ाए गए थे, बाकी अब पता लग रहा है। भाई हाँ कुछ नहीं पड़ोगे उनमें, क्या टिक जाऊँ यार। हाँ अरे टाइम लगू अल तक। हाँ भाई ये वाली भाई पता नहीं आई है, भाभी का ही बता भाई, तेल चंडा भाई मुंडा का खरीद तो नहीं है। प्रोसेसिंग हो रही है तेल चढ़ाने की, ऐसे चढ़ाए जाते हैं तेल। पूछे हमारे अरे न्यू फैमिली आटे लगा तो ठंडा हो गए थे, फिर हाँ यहाँ का सब का लगा, पहले सब पूरा सामान का लगा लगता है। ये तेल चढ़ाया जा रहा है भाई, जितने भी सामान है उनके टच किया जाता है तेल को, सब उनका लगा लगा। मतलब सब अलग अलग कानून कर रहे हैं भाई, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं सारे के सारे। पर काई मीनाक्षी गन्ना साथ चोट कर दी ना सब ने। हाँ चोट कर दी बिल्कुल, भाई ये हमारे गन्ना, हमारी छोटी बहन मेरे से बड़ी है, तीन दिन बड़ी है, छोटी बहन नहीं। तो क्या हुआ इनसे झूठ मार बोल दिया सबने, महिला संगीत आज तो ये तैयार हो गया कि इसकी गजब बेइज्जती होगी। हाँ गजब बेइज्जती होगी, लगा दे लगा दे। ये सेकंड कैमरा मैंने मारे, इसमें बोल दिया मैंने, दूसरे कैमरा मैंने मारे। फाइनली तेल चढ़ा दिया, अब आरती करने का टाइम आ गया। Thank you.
हेलो भाभी जी। हेलो, कितना मजा आ रहा है? बहुत एंजॉय हो रहा है। फुल एंजॉय हो रहा है ना? फुल हो रहा है। और सुनाओ, कुछ बोलना है क्या? नहीं भैया, सब ठीक है। ये भाई डांस तो बहुत शानदार कर रहा है भाई। हां हां, शानदार डांसर होता है भाई। हेलो बोल दे एक बार। ये हल्दी की रस्म हो रही है। हल्दी और मेहंदी की तेल चढ़ा दी। अच्छा ओरिजिनल हल्दी है क्या? अच्छा, तो कल तो जो हल्दी का प्रोग्राम था हमारा, दिखावटी था, मतलब फैशन था एक तरह से ना। हाँ भाई, ओरिजिनल हल्दी आज चढ़ाई जा रही है भाई, इसको बोलते हैं। ये ओरिजिनल हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम, इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं तेल चढ़ाना, हल्दी लगाना और मेहंदी लगाना। हल्दी की रस्म पूरी हो गई भाई, अब है मेहंदी की, है ना। हाँ, कैसा लगा लोग? मजा आ रहा है ना, फुल एंजॉय हो रहा है ना भाई। तो भाई नेक्स्ट लोग आएगा ना, चाग बासण बिंदोरी का देखना, बिल्कुल मिस मत करना यार। क्योंकि रात को चाग बासण बिंदोरी निकाल ली हमने, ये वाला पूरा पार्ट है ना, इतना खतरनाक पेन हो रहा है, इतना डांस किया मतलब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोग के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखो, अपने साथ अपने माता पिता का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, खुश रहो। जय श्री राम, राधे कृष्णा। नेक्स्ट लोग देखना, बिल्कुल मिस मत करना। लव यू ऑल, बाय बाय।